हेलो फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं मुंबई अपने मम्मी पापा के पास। मैं जा रही हूँ और मैं घर से निकल चुकी हूँ और मम्मी हमको छोड़ने जा रही थी स्टेशन पे। तो देखिए, मुझे थोड़ा अचानक मुंबई जाना पड़ा, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है इसलिए। और फ्रेंड, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है हमारी, तो अब जाके हम गाड़ी में बैठ जाएंगे हम लोग स्टेशन के लिए। अब हो जाएंगे रवाना। और ये देखिए आप, अब हम लोग स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। और ब्लू साड़ी वाली है मेरी मम्मी, ब्लैक साड़ी वाली है मेरी सासू माँ है, और मैं देखिए सीट पे नहीं बैठी। अब ट्रेन आ चुकी है फ्रेंड, तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। मेरे पापा ने मुझे ऊपर वाले सीट पे बैठा दिया था, वो नीचे उतरने देते ही नहीं है। और मैं अपना देखिए ऊपर बैठी हूँ। अब ये देखिए भैया बेचने वाले हैं, कुछ बात बता रहे हैं। रात हो चुकी है फ्रेंड, सब लोग खाना वाना खा के सोए पड़े हैं। अब हम भी सोचे कि थोड़ा सो लें, क्योंकि ट्रेन में तो वैसे भी नींद नहीं आती है। इतने सारे लोग खर्राटे मार रहे थे, मुझे नींद आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि अरे मैं इतनी बड़ी बोगी में मैं जग के भी क्या करूँगी। तो फ्रेंड देखिए, अभी सुबह हो चुकी है, मैंने ब्रशिंग भी कर लिया है और मैंने मुंह धो के भी मैं आई हूँ। सब इधर उधर देख रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 2 दिन का सफ़र था मुंबई का हमारा। और देखिए फ्रेंड, ये एसी से मेरा बुरा हाल हो चुका है, मेरे सर पे रात भर एसी लगी। और एसी में रहने की आदत तो है नहीं हमको, हम ठहरे नॉर्मल आदमी। अभी कुछ जन सोए हैं, मेरी आदत है 5 बजे जगने की, मैं तो 5 बजे जग चुकी हूँ। और देखिए, अब सोचा कि कुछ नाश्ता वास्ता कर लें। देखा क्या है, कुरकुरे मिला मुझे, चिप्स है शायद, कुरकुरे कुछ तो है। मैंने सोचा इसी से नाश्ता कर लेते हैं। और ये आदमी हमको रात भर परेशान किया, खर्राटे मार मार के गुस्सा आ रहा था ना इस आदमी पे, फिर भी छोड़ दिया, जाने दो। तो फ्रेंड, अब हम धीरे धीरे मुंबई पहुंच चुके हैं। ये कल्याण का है, कल्याण में वड़ा पाव मिला हमको भूख, जोरों की भूख लगी थी, तो हमने वहाँ से वड़ा पाव लिया। हम लोग को उतरना था लोकमान्य तिलक टर्मिनल। और देखिए धीरे धीरे उतरने की तैयारी हो रही है, पापा सामान इकट्ठा सारा कर रहे हैं, मैं मम्मी और पापा तीनों लोग थे। तो पापा के साथ मैं गांव से यहाँ पे मुंबई आई हूँ। और हम देखिए उतर चुके हैं ट्रेन से, बहुत बड़ा स्टेशन था, बहुत बड़ा। फिलहाल मेरे मम्मी पापा मुंबई में ही रहते हैं, तो हमने एक कैब बुक किया और उस पर बैठ गए, सारा सामान उस पर रख दिया। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, प्लीज सपोर्ट मी, लव यू गाइस।